हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. गुड मॉर्निंग. तो आपका स्वागत है न्यू ब्लॉग में, द ज़ारा वर्ल्ड में. तो गाइस, अभी बस सो के उठी हूँ और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. तो गाइस, हमारी बिल्ली खाती है नमकीन बिस्किट. उसे बहुत ज़्यादा पसंद है नमकीन बिस्किट, तो वो यही खा रही है अभी. ओए हाय डार्लिंग. तो ये बहुत पसंद करती है नमकीन बिस्किट को. अब पता नहीं बिल्लियों को ये सब खिलाया जाता है कि नहीं. हम लोग तो जो होता है वो खिला देते, सब्जी रोटी जो भी होता है घर में, और वो सब कुछ खा लेती है. अच्छी है वैसे, वो सब कुछ खा लेती है, रोटी सब्जी सब. भाई एक बार नहला दिया, बहुत सर्दी है, हम अपनी बिल्ली को बिल्कुल नहलाना नहीं चाहते थे, बहुत गंदी थी, इसलिए एक बार नहला दिया. पूरी सर्दी नहीं नहलाएंगे बस एक बार. सो गाइस, मैं जा रही हूँ खाला की यहाँ, तो अभी रेडी होकर मिलती हूँ आप लोगों से. तैयार हो जाऊँ पहले, फिर मिलती हूँ. सो गाइस, मुझे पापा छोड़ने जाने वाले थे, लेकिन उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, तो वो काम पे निकल गए और मुझे थोड़ा तैयार होने में टाइम लग रहा था तो वो मुझे छोड़ के चली गई. तो यहाँ पे मम्मी ने आपे में बिठलवा दिया था, आपे बुक कर दी थी, तो इन्होंने घर तक छोड़ दिया था. और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ, और ये स्कूल से आ गया था, और उसके बाद मैं अपनी मुमानी के घर भी गई थी. तो ये है मेरी मुमानी के घर आई हूँ. हमारा क्या कर रही बेटा? बर्तन. अरे तो जब धोने लायक तब धोना. हमें हम इतने तो इतने सारे ढेर बर्तन. तुम भी आ गई, तुम भी दोगी. अपना नाम बताओ. गाइस ये बहुत ज्यादा उद्यमी है. गाइस ये बहुत उद्यम करता है. ये देखो गाइस, ये चैन से एक जगह बैठ नहीं सकता बस. सो गाइस, मुझे घूमने फिरने का भी मन हो रहा था, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो खाला ने मुझे अपने पास बुला लिया था कि यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा माइंड ठीक हो जाएगा. और यहाँ पे मुझे दावत में जाना था, लेकिन मैं वही अपना पुराना सूट मैंने डाल लिया, क्योंकि मुझे तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और मेरी खांसी मतलब अभी भी ठीक नहीं हुई है. तो मैंने जैसे तैसे वही अपना पुराना सूट पहना, और मेकअप का पिटारा खोला, और थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, और जल्दीबाजी में मैंने ना अपना मेकअप हाथ से ही ब्लेंड किया, मतलब फाउंडेशन को मैंने हाथ से ही ब्लेंड कर लिया था. और ऐसे मुझे ये था कि मुझे खांसी हो रही है, तो ज़्यादा सजने संवरने का भी मन नहीं होता है खांसी में यार. सॉरी, तो लाइफ में पहली बार मुझे खांसी हुई है, इससे पहले कभी हुई नहीं है. लेकिन जब अब हुई है तो पता चला कि खांसी से बुरी कोई चीज़ नहीं होती. और यहाँ पे इसे भी मेकअप करने का बहुत मन होता है, तो इसने मेरी लिपस्टिक लगा ली थी. और मैं ना स्वेटर पहन के गई थी, क्योंकि फैशन वगैरह मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, बस मुझे खाना खाने जाना था, यही था मेरा मेन वो फोकस. और क्या, तो बस मैंने बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छे से खाना खाया, क्योंकि प्रेगनेंसी में मुझे किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं मिल रहा है, टेस्ट ही नहीं मिल रहा, मतलब किसी चीज़ का, तो वो स्वाद मतलब चला गया, नोज़िया हो गया मुझे. 4 महीने से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा खाने में, लेकिन जो शादियों का खाना होता है वो ही मुझे अच्छा लग रहा है बस. तो मैंने सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ट्राई करी थी, मतलब
खाना भी खा लिया था, उसके बाद मैंने डोसा भी खाया, चाट भी खाई और गाजर का हलवा भी खा लिया था, एक गुलाब जामुन भी खा लिया था। मतलब ये ऐसी शादी थी कि मुझे यहाँ जाने का बिल्कुल दिल नहीं था, उसके बाद भी मैंने इतना खा लिया। ये है मेरी मोमानी और अमायरा। जैसा कि आप सबको पता है मेरी मोमानी मामू के दो बच्चे, दोनों अमायरा और अरसिफा, और खाला भी सब लोग आए थे साथ में। तो यहाँ पे मैंने बस खाने पे ही मेरा फोकस था, उसके बाद तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके, खाना पीना खाया और बस घर चले गए। और फ़ोटोज़ वगैरह भी ऐसी क्लिक नहीं की, तो ऐसा मतलब कभी कभी होता है कि खांसी वहाँ पर भी हो रही थी मुझे, और खांसी में तो यार मतलब डर लगता है कि अपनी खांसी किसी और को ना लग जाए। बस उसके बाद मैंने एक लास्ट में कॉफ़ी भी पी थी, बस दैट्स इट। थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। और यहाँ पे रहमान भूरे में बस घूमता रहता है, खाना वाना ज़्यादा कुछ खाता नहीं है। और ये मेरे मामू हैं, और उसके बाद बस घर आ गए थे हम लोग। गुड मॉर्निंग, हो चुकी है यहाँ पे। सो गाइस, मेरी खाला बना रही है भजिया, काय की भजिया बना रही है, बेसन के पकौड़े। और क्या डाला इसमें? पालक भी तो डाला। और पालक से टेस्ट अच्छा आता है इसीलिए। तो सुबह सुबह यही नाश्ता होने वाला है अभी। नहीं मीठा लाना, रिफाइंड रुक पापा को दे दो भैया, रुको एक मिनट डालना। अब नहीं बनाएंगे दाल। क्या अब दाल नहीं बनाएंगे? क्यों जला दिया तुमने? तुम्हें ऐसा लग रहा लेकिन जली नहीं है ये, इतनी ब्राउन तो चलती है। हमें तो समोसा जली हुई अच्छी लगती। तो गाइस, थोड़ी देर के लिए मैं धूप में आई हूँ, और एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ कि मेरे 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। लेकिन उसकी मुझे कोई खुशी नहीं हुई, पता नहीं क्यों, क्योंकि पहले जब मेरे 1K हुए थे उसकी खुशी बहुत अलग थी, 3K की कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि बहुत ही कम नंबर है ये। फिर भी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 3000 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, मतलब 3000 लोग मुझे देखना चाहते हैं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। ये अच्छा लगा ये चीज़। बाकी आप लोगों के लिए ये बहुत ही कम नंबर होगा, आप लोग सोच रहे होगे 3K पे कौन खुश होता है, मतलब 3K 3000 तो बहुत कम नंबर है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, 3000 मेरे लिए बड़ी बात है। और अगर आप लोग सोचो कि नंबर है ये, अभी आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन 3000 लोग वो सामने आ जाए तो कितने सारे हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। व्यूज़ डाउन चलते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन ठीक है, अभी मैं शॉर्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी। और अभी मैंने शॉर्ट बनाना चालू कर दिया है क्योंकि शॉर्ट्स का ही ट्रेंड है। इस बात को समझने में मुझे पूरा 1 साल लग गया। काश मैं पहले 1 साल पहले ये सब शॉर्ट्स वीडियोस बनाती तो आज नंबर कुछ और ही होता। 3K होने में मुझे 1 साल लग गए, मतलब क्योंकि थोड़ा सा ना वो होता है कि मैंने शॉर्ट बनाया नहीं, इसलिए शॉर्ट बनाती तो अभी तक बहुत सारे हो गए होते। खैर अब मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी तो ओके गाइस, अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशंस भूलना मत भूलना, प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।